हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फाइव। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिना झंझट के झटपट से बनने वाला गाजर का हलवा। झटपट से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो लाल वाली गाजर ली हुई है, जिनको मैंने पील करके अच्छे से वॉश करके इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़े छोटे छोटे बैचेस में लेके ग्राइंड कर लेंगे। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। काटने में हमें कोई इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि हमको ग्रेट करने में लगता है। तो हम थोड़ा थोड़े बैचेस में इसको ग्राइंड करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पिस चुका है, जैसे हम घिसते हैं वैसे ही हो गया है। और अगर कहीं इस तरह से देखिए जैसे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हैं, अगर बचे रह जाएं तो उतने में जब हम कुक करेंगे तो वो इजीली कुक हो जाते हैं। तो हम इसको एक अच्छे से जार में करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने कुकर में 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है और यहाँ 7 से 8 इलायचियाँ कूट कर मैंने इसमें डाली हैं। तो इसके लिए आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं और खड़ी इलायची भी ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो हम इसको थोड़ा सा गाजर को घी में फ्राई करेंगे, इससे इसमें अलग ही अरोमा आता है हलवे में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट ना उबालें इसको, पहले थोड़ा सा फ्राई करें घी में। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको ढक कर पकाएंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि कुकर बंद करके 2 विसल लगाएंगे। जस्ट 2 विसल आएंगी और हम हमारा कुकर ऑफ कर देंगे, ज़्यादा हमें इसको विसल नहीं देना है। 2 विसल आने के बाद हम कुकर को ठंडा होने देंगे। ये देखिए 1 विसल आ गई है। दूसरी आने के बाद हम कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे खोलेंगे। 2 विसल कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। कुकर को ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसकी सीटी निकल चुकी है। तो ये अच्छे से कुक हो चुकी है गाजर, मतलब गल चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और भुनाई शुरू कर देंगे हमारे गाजर के हलवे की। तो देखिए इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और जो हमारे पीसेस थे अब इस टाइम पे हम इनको क्रश कर करके चम्मच चलाते जाएंगे, तो जो भी बड़े बड़े पीसेस थे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे अब इस स्टेज पे। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ। 1 किलो गाजर है, 250 ग्राम हमने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा डालना पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इतना दूध सफिशेंट रहता है। तो अब हम इसको दूध के साथ कुक करेंगे जब तक कि इसका पूरा मिल्क जो है सूख ना जाए, तब तक के हम इसको पकाएंगे अच्छे से। तो जो भी हमारे गाजर मैंने आपको जैसा बताया कि मोटे मोटे जो पीस थे उनको हम क्रश करते हुए जाएंगे, वैसे बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे वो। तो जब तक के दूध ना सूख जाए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा ये ड्राई अप होने लगा है मिल्क और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही टेस्टी बनता है, नो डाउट। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो दूध है वो गाजर के साथ पक चुका है। अब हम इसमें हमारी चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी भी यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब ही ली है। कोई कोई कम खाते हैं तो वो 150 से 200 ग्राम तक भी डालते हैं, लेकिन मुझे इतना प्रपोर्शन चीनी का अच्छा लगता है। और 1/2 कप मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। थोड़ा थोड़ा सबको क्रश करके 1/2 कटोरी के करीब हमने इसमें डाल दिया है। तो चीनी के घुलने तक, जब तक इसका पानी सूख ना जाए, जब तक हम इसको और पकाएंगे। और हाई फ्लेम पर ये सारा प्रोसेस चल रहा है क्योंकि हम स्टिल यहीं पर खड़े हुए हैं और चम्मच चलाते जा रहे हैं बार बार। तो ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। और लास्ट में आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी डाल के भी एक बार और भुनाई कर सकते हैं, उससे घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप कम घी पसंद करते हैं तो ये प्रोसेस बिल्कुल ना करें। एकदम लास्ट मोमेंट पे जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो ये 1 चम्मच घी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से
मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये घी हम जब डालते हैं तो उसकी एक अलग सी ही महक आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी पॉइंट पे जब हमारी शक्कर पूरी ऑलमोस्ट सूख चुकी है तो मैं यहाँ 150 ग्राम के करीब यहाँ पर मावा ऐड कर रही हूँ। तो मावा भी हम बस 2 मिनट इसके बाद हमें चलाना है। हमारा हलवा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम चलाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। जब मावा इसमें, क्योंकि ये गर्म है तो मावा डिज़ोल्व हो जाएगा और ये जो डिज़ोल्व मावे का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही यम्मी होता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, तो हम हमारे हलवे को अब डिश आउट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन को प्रेस किए बिना नहीं जाएंगे, और पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत यम्मी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ ला। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।